वीरापुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। मुस्लिम समाज क्या अपनी सोच रखता है, क्या सोच रखता है मुस्लिम समाज अपनी? हम अपनी ये सोच रखते हैं, हमारी जो यहाँ पे हिंदुस्तान जो हम यहाँ पे है, हमारे साथ जो है ना इंसाफी हो रही है, और ना इंसाफी तो सबके साथ हो रही है, जो दलित है चमार उनके साथ भी ना इंसाफी हो रही है और हमारे साथ भी हो रही है। तो बैरिस्टर अब जब 70 साल समय तो ये रेवन नहीं मिला था, हमने 70 साल से जो है दूसरी पार्टी तो अपना समझा, हमने कांग्रेस की पार्टी तो अपना मानना था, समाजवादी पार्टी तो अपनी माननी, हमें इनसे तो छासीन नहीं होया, वजह बस ये था हमें बर्बाद करा सबने। अच्छा, किसने बर्बाद करा आपको खास तौर से? खास तौर से जो ज्यादा करा जो समाजवादी पार्टी ने करा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने बदना बर्बाद करा या बीजेपी ने बदना बर्बाद करा? ज्यादा जो करा समाजवादी पार्टी ने करा। तो बीजेपी की जो सरकार जो इस वक्त मौजूद हो, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार, उनके कार्यों से आप खुश हैं? है? जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार है उसकी कार्यशैली से आप खुश हैं? नहीं, खुश तो उनसे भी नहीं है भाई, वे तो सत्ता में इसलिए हमारे साथ ना इंसाफी कर ले, वो सरासर उनके साथ हिंदू का दर्द है तो हमारे हिंदुस्तानी साथ वे दर्द कर ले, हम भी एक हिंदुस्तानी है, हम सब जो एक हिंदुस्तानी है, छोटा समाज हो 6-12 समाज हो वे सब एक हिंदुस्तानी है। आपके क्या मत है? बीजेपी जो है एक हिटलर शाही और तानाशाही सरकार है, जो हर किसी पे अपनी तानाशाही हिटलर की तरह चलाना चाहती है, जैसे हिटलर ने किया था वैसे ही बीजेपी का हाल होगा। ठीक है, कैसे होगा? जैसे हिटलर का हाल हुआ है वैसे ही बीजेपी का हाल होगा और समाजवादी पार्टी का हाल होगा। हमारी जो पार्टी है AIM पार्टी, बैरिस्टर जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, वो इंशाल्लाह 100 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है, इंशाल्लाह 100 की 100 सीटों पर वह काम। 100 सीटें ही क्यों निर्धारित की है? 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें आपको 100 सीटें ही क्यों नजर आती हैं? असुद्दीन ओवैसी साहब जो है बैरिस्टर साहब है, उन्होंने जो फैसला लिया है वो बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है, वे कभी भी गलत फैसला नहीं लेते और संविधान के अंदर ही वे बात करते हैं, और जो उन्होंने फैसला लिया है हमारे बैरिस्टर। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि अगर किसी दल के पास में 204 विधानसभा होंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ जी, जब हमारी 100 सीटें आ जाएगी और ये जो हमारे पास इतने सारे जो दल है पार्टियां हैं लड़ रही है सब, जब मुख्यमंत्री बनने का टाइम आएगा सब टूट जाएंगे, कोई किसी को खरीद लेगा, कोई किसी को खरीद लेगा, कोई किसी को खरीद लेगा, तो सरकार नहीं बना पाएंगे वे लोग। लेकिन जब हमारी 100 की 100 सीटें होगी तो हमारी सरकार में मजबूती होगी, हमारे विधायक होंगे, हमारी एक आवाज़ होगी, हमारी एक बुलंद आवाज़ होगी जी, जो असदुल्लाह ओवैसी साहब उठाएंगे, शौकत अली साहब उठाएंगे, और जनाब मजलिस पे ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी की पार्टी है, बी पार्टी है, इन्होंने बिहार में हरा दिया, बंगाल की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, अब उत्तर प्रदेश में आए हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें सबक सिखाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जो है कोई बी टीम नहीं है, हमने बिहार में भी रजत से यानी लालू प्रसाद के लड़के से भी गठबंधन करने की बात कही थी, उन्होंने गठबंधन नहीं किया लेकिन उन्होंने अपना खामियाजा भुगत लिया हमारे साथ ना गठबंधन करके। ऐसे ही इस बार हम बार बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है बी टीम है, लेकिन जो किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका भी आरोप है कि आप बीजेपी के चाचा जान हैं। ये जो राकेश टिकैत को हम यहाँ तक पहुँचाने का काम जो है वो मुसलमानों ने किया है, और मुसलमान जिसके साथ लगता है वो दमखम के साथ लगता है। हमारी विधानसभा में जितने भी 52 गांव जो झोजा बिरादरी के है वो आसू मलिक साहब के साथ में है और उन्हें दमखम के साथ में लड़ा रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल उनके साथ में पूर्ण जोश से। हमारी जो AIM पार्टी है, अभी देखा होगा आपने बिजनौर नगीना में असुद्दीन ओवैसी साहब की जो रैली हुई है वहाँ पर देखिए किस कदर भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है उनके में भी रैली। शाहिद मंजूर साहब का एक आरोप है कि जो भीड़ जो आ रही है मजलिस की, जो सभाओं में भीड़ आ रही है, वो पैसे की बुलाई गई भीड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की इसमें कोई वो नहीं है। जो हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब हैं इनकी बहुत वो है, कहते हैं कि जैसे कि बीजेपी सरकार हो या समाजवादी हो या बसपा हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब जो है वो है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार जैसे थानों का भ्रष्टाचार है और भी भ्रष्टाचार चले हैं, अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो असुद्दीन ओवैसी साहब को लाना है जी। तो देखा दर्शकों आपने, जो मजलिस पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि मजलिस की सरकार आएगी तो मुसलमानों को हक मिलेगा और उनकी हक की आवाज़
जो है ओवैसी साहब उठाएंगे। पूरे सब और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में मनमोहन की सरकार में पेश की गई थी, जो संसद में पेश की गई थी, उसको रोक दिया गया। और केवल कौन रोकने वाले कौन थे, क्योंकि हमारी उस समय संसद में कोई तादाद नहीं थी, केवल 5 आदमी रोकने वाले थे जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। और जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट का रिजल्ट सामने आया, ऐसा रिजल्ट सामने आया कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं रिजल्ट आया। कभी आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो शूद्र लोग जो हुआ करते थे, शूद्र लोग जानते हैं, जनजाति जो लोग हुआ करते थे, उनसे भी खराब सच्चर कमेटी ने हमारी हालतें बताई है। जी जी, ऐसी हालत हमारी बताई है। दर्शकों, ये मजलिस के मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे विधानसभा से, इनसे खास बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। इनका एक ही फैसला है कि अब की बार हमें ओवैसी साहब को नेता अपना बनाना है, मुस्लिमों का रहनुमा बनाना है उनको, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करेंगे। अपना बनाना, दलित भाई का भी बनाना, दलित भाइयों का, हिंदू भाइयों का भी सपना है हमारा नेता जो है, ये सपना है। देश संविधान तो लेते चल रहे, 100 सीट पे हैरान नहीं है, अभी तो सिर्फ आने वाले 23 साल लोग ज्यादा पेहरान। दर्शकों, आपने सुना इनके बयानबाजी क्या है, इनकी बयानबाजी क्या है, इनके मत है क्या, इनकी सोच है, तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।